क्लास एट, प्लीज़ टेक आउट योर मैथ्स बुक। आज हम लोग चैप्टर 14 करेंगे। ओपन द पेज नंबर 208, चैप्टर 14, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, जिसका फोर साइड होगा, जैसे भी हो, ऐसे भी हो सकता है, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्वाड्रिलैटरल्स। ओके, तभी इसमें से कुछ डेफिनेशन है, पहले देख लो। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व मतलब अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट्सेल्फ एक्सेप्ट दैट इफ यू ड्रॉ इट द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट मे बी सेम इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। मतलब कोई भी कर्व हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये वाला एक है और ये वाला, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व जैसा होगा, ठीक है, सिंपल कर्व। क्लोज कर्व मतलब ये खुला नहीं रहेगा, क्लोज रहेगा, ये जैसे क्लोज है, क्लोज रहेगा, ये सबको बोला जाता है क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व मतलब जिसमें, जिसका मुंह खुला रहेगा, मतलब चारों तरफ से घेरा नहीं रहेगा, मुंह खुला रहेगा, इसको बोला जाता है, ये जैसा ये है, खुला है, ये है, ये भी खुला है, इसको बोला जाता है ओपन कर्व। और सिंपल क्लोज्ड है वो वाला है, ये सब, ये सब है सिंपल क्लोज्ड। ओके, अच्छा, ये वाला है पॉलीगन्स, कर्व्ड व्हिच आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या है? पॉलीगन्स इज सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के हिसाब से जो होता है उसको बोला जाता है पॉलीगन। जैसे ये सब इधर जो है 14.6 में, ये जितना सारा फिगर है ये सब है पॉलीगन। नीचे वाला जो है ये सब भी पॉलीगन है। ओके, अच्छा, ये सारा हो गया पॉलीगन। अभी देखो ये वाला है पेज नंबर 209 में, थोड़ा मैं बोल देती हूँ। जो तीन ठो साइड होता है, थ्री एंगल होता है, इसको बोलता है ट्राई एंगल। उसका होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये अंदर का तीनों जो एंगल है उसका सम होता है 180 डिग्री। इधर फोर है, उसको बोला जाता है क्वाड्रिलैटरल। 360 होता है, टू इंटू 180। ओके, फाइव साइड होता है उसको, फाइव साइड या फाइव एंगल्स, उसको बोला जाता है पेंटागन। उसका होता है 540। सिक्स होता है हेक्सागन, सेवन होता है हेफ्टागन, एट है ऑक्टागन, नाइन है नैनोगन और टेन है डेकागन। ठीक है, ऐसा है ये, तुम लोग जस्ट ऐसे ही देख लेना। तुम लोग का काम पे जो आएगा वो है ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। अभी फिलहाल क्वाड्रिलेटरल लगेगा। ये वाला जो चैप्टर है 14, इसमें बहुत सारा पार्ट है, 14.1, 14.2, आगे भी बहुत सारा है, लेकिन मैं 14.1 और 14.2 ही करवाऊंगी, वही सारा होगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिंपल क्लोज फिगर। ये तुम लोग देख के ही बोल सकते हो कौन सा वाला सिंपल क्लोज फिगर है, बंद हुआ है, क्लोज फिगर, ओपन नहीं है। ठीक है, ये तुम लोग खुद कर लोगे, मैं नहीं दिखा रही हूँ। दूसरा वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में मैं, पॉलीगॉन भी मैं दिखाई हूँ, तो पॉलीगॉन भी तुम लोग को पता ही होगा कैसे है पॉलीगॉन। तो इसमें से भी तुम लोग निकाल सकते हो कौन सा पॉलीगॉन है और कौन सा पॉलीगॉन नहीं है। तो ये वाला भी, नंबर टू का भी मैं नहीं कर रही, वो लोग तुम लोग कर लेना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है नंबर थ्री। नंबर थ्री में क्या है? व्हाट विल बी द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ 11 साइड एंड 16 साइड। अच्छा, ये करते हैं, चलो इसमें देखो क्या है। 11 साइड है, एक फॉर्मूला है, सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन एन माइनस टू, इधर एन मतलब जितना सारा साइड हो या एंगल्स हो, ठीक है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अभी इधर हम लोग को कितना बोल दिया है, 11 साइड, दैट इज एन इज इक्वल टू 1। ओके, तो देयरफॉर ये जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे n माइनस टू इजगल टू 180 डिग्री। अभी n के जगह 11 होगा क्योंकि हम लोग को पता है n इजगल टू 1, n इजगल टू 11। तो 11 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, 11 माइनस टू करने से होता है 9, 9 इंटू 180 डिग्री इजगल टू, ये तुम लोग रफ में कर लेना। एग्जाम में रफ में ये वाला मल्टीप्लाई होना जरूरी है, अगर मल्टीप्लाई रफ में मुझे दिखाई ना दे तो मैं काट दूंगी, 1620 डिग्री। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है नंबर फोर। नंबर फोर में है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स। अभी रेशियो बोल दिया है 2:3:4, तो हम लोग को एंगल का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को पहले से ये मालूम है कि एक जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल उसका
अंदर का जितना सारा तीन ठो साइड है वो तीन ठो साइड का वैल्यू कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो द एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, ओके। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू चाहिए। अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा लेट द नंबर, इसमें पूरा ये जो एन ओ लिखा है इसमें पूरा नंबर लिखना, मेरा जगह नहीं था इसलिए मैं शॉर्ट में लिखी हूँ। लेट द नंबर ऑफ एंगल्स बी एक्स, ठीक है, जो एंगल है उसका वैल्यू हम लोग एक्स ले रहे हैं। एंड सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एक ट्राई एंगल का सम ऑफ अंदर का जितना इंटीरियर जितना सर एंगल्स है उसका सम कितना है 180 डिग्री। तो उसके हिसाब से हम लोग ये अगर तीनों एंगल है तो उसका हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। लेट्स, तो अभी ये वाला जो इक्वेशन बना ली इसमें से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका प्लस करेंगे 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू इधर 9x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिविजन हो जाएगा 180/9 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हुआ 20 डिग्री, ओके। x का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। अभी देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 × 20 डिग्री, x में x के जगह हम लोग वैल्यू बैठा के ये 2x इज इक्वल टू 40 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री और 4x इज इक्वल टू 80 डिग्री ये निकाल ली। ये तीनों है आंसर, हम लोग को जो एंगल तीनों एंगल था उसका वैल्यू मिल गया, ठीक है, हो गया। अभी हम लोग करेंगे नंबर 5 का। नंबर 5 में है इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल द वर्टिकल एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, तो अभी बोल रहा है आइसोस्केल्स एंगल। आइसोस्केल्स एंगल मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो आइसोस्केल एंगल्स का मतलब क्या होता है, दोनों साइड एक ट्राइंगल बनेगा जिसका दोनों साइड सेम रहेगा। कि समझो ये वाला एक साइड है और ये दो जो साइड है ये दोनों साइड सेम है, मतलब ए पी ट्राइंगल का नाम दे दिए ए बी सी और इसमें ए बी और ए सी दोनों साइड सेम है, दैट इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अभी आइसोस्केल ट्राइंगल का क्या बोला है, जो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल मतलब ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है, तो ये दो ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। अभी देखो आइसोस्केल ट्राइंगल में हम लोग थियोरम में पढ़े थे आइसोस्केल ट्राइंगल्स में क्या होता है। आइसोस्केल ट्राइंगल में नीचे का जो ऊपर का जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है। अभी ये वाला और ये वाला सेम होगा एंगल का वैल्यू, कैसे, कि ये दो ठो साइड सेम है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, ठीक है। तो ये वाला 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री से अगर 180 डिग्री टोटल है, 180 डिग्री से अगर 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करने से हमको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो इन द आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला जो है ड्राइंग ए बी सी, इसमें द वर्टिकल एंगल इज ए, ये वाला है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल मतलब जो ऊपर वाला रहता है एंगल, तो ये ऊपर वाला एंगल है ए, इसका वैल्यू है 40 डिग्री। अभी हम लोग को बोल दिया है बी और सी सेम, हम लोग बोल दिया है मतलब हम लोग को पता है, हम लोग थ्योरम में पढ़े थे बोथ साइड्स आर सेम। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं ये वाला एंगल ए, मतलब ये ए बी सी ये तीनों एंगल प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये साइड में लिखना पड़ेगा 40 डिग्री। ए के जगह हम लोग वैल्यू बैठा दिए 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स, अभी इसको हम लोग एक्स ले लिए, ओके। 40 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस था इधर आके माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया तो इधर हुआ 140 डिग्री। तो x इधर 2 2 इधर क्या था, 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवीजन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब 70 डिग्री इज इक्वल टू b, मतलब ये वाला भी 70 डिग्री हुआ, ये वाला भी 70 डिग्री हुआ, तो 70 डिग्री ईच, मतलब दोनों का हुआ 70 डिग्री करके, ओके। ये वाला हो गया आंसर। ओके, तो 14.1 इधर ही हो गया। और 6 का जो 7 का है, 6 में है ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू शो ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ओपन कर्व भी तुम लोग दिखा सकता है और क्लोज कर्व भी दिखा सकते हैं, वो लोग तुम खुद कर लेना, और 7 का भी खुद ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं बोल दूंगी। 6 और 7 होमवर्क, 1 और 2 होमवर्क, खुद घर में करना, ठीक है। तो 14.1 कंप्लीटेड।